सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। और बताओ, शादी की सारी शॉपिंग हो गई है तेरी? लगभग लगभग हो गई है, खाली कार्ड छपने बचे। एक बात बोले, जगदीश जी ना बहुत अच्छे। ओहो, ये तो बबलू की सिटी की आवाज है ना? हाँ। स्वीटी, अरे मेरी क्यूटी स्वीटी, तुझे देखते निकल जाती है मेरी सिटी। अरे सुनो तो सही, हमसे भी दो मिनट इशक मुशक की बातें करती जाओ थोड़ी। अरे आसेंगे हम तुम्हारे। पैसा मिलता है क्या तुमको इस सब छिछोरापन का? हेलो, पैसे का क्या जरूरत है, इतनी अच्छी सी शक्ल है तुम्हारी, देखकर कोई भी छिछोरा हो जाए। और हम तो आसेंगे तुमरे, देखो हम सही कह रहे हैं, हमसे शादी कर लो, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। 12वीं में 3 बार फेल हुए हो लेकिन अकड़ नहीं गया ना आज तक तुम्हारा? कम से कम अपना शक्ल और अकल देख के तो लड़की छेड़ा करो। वैसे भी हमारा ब्याह तय हो गया, बहुत पढ़ा लिखा मंगेतर है हमारा। अब देखो स्वीटी, रूप रंग की तो बात करो मत तुम, क्योंकि कह रहे तो अच्छे से जानती हो कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ना हमारी शक्ल और मसल पे ही मरती हैं। हम तुम्हारे पीछे क्यों है पता है? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, और सच बताना तुम्हें बहुत ही खुश रखेंगे हम। भूल जाओ उसे, बन जाओ हमारी। ना प्यार को ना अपना जेब में रखो, ब्याह और तुमसे। सामने मत आना कभी गलती से, वरना तुम्हें उसी पति के नाक के नीचे से उड़ा दे जाएंगे तुम्हें। गणपति बाप्पा। जय देव जय मंगलमूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देखिए ना जगदीश जी, आज कितना अच्छा दिन है ना, आज ही गणपति हमारे घर आए हैं और आज से ही हमारे पार्लर का काम शुरू हो रहा है। और गणेश जी की कृपा से देखिएगा, आपका ये पार्लर भी खूब चलेगा। आपके मुंह में घी शक्कर, स्वीटी के टिप टॉप पति। हाँ जी, टिप टॉप स्वीटी के टिप टॉप पति। चलिए अच्छा, हम अब कोचिंग चलते हैं वरना देर हो जाएगी। आप ये सब में प्रसाद प्रसाद बांट दीजिएगा। हाँ ठीक। और सुनिए, डब्बा खाली वापस मत लाइएगा। अरे पूरा खत्म कर देंगे भाई। ये तो बबलू की सिटी की आवाज है। नहीं नहीं, ये मेरा बहन था। हम कहे थे ना दोबारा सामने मत आना, अब तुम्हारे पति की नाक के नीचे से उड़ा के ले जाएंगे हम तुम्हें। अब आ गया है कांड करने का समय। ईका, अपना ही फोटो लगा दी। हाँ तो हम किसी से कम है का? किस हीरोइन से कम है? नहीं आप तो बहुत सुंदर है, तभी तो आपसे शादी की थी। What? अरे
काम में ध्यान दीजिए। अरे तो क्या करें बताइए। लिस्ट बनाइए। चलिए अब देख स्वीटी, कैसे तेरे पार्लर से तेरे घर में और तेरे घर से तेरे दिल में एंट्री मारता हूं। सौद साहब की बाइक, बड़ी बढ़िया बाइक ले हमारे सौद साहब। अरे ई का पिछला हफ्ता ही तो हमने इसका सर्विसिंग कराया था। अरे भैया मोटरसाइकिल चला रहे हो कि बेलगाम घोड़ा दौड़ा? अरे भाई साहब वो ब्रेक जरा फेल हो गया हमारा। अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोट आई है। हाँ भाई साहब, अरे बाप रे, तो आपको ही बहुत चोट आया भाई साहब, हमारे वजह से कितना चोट आ गया देखिए आपको। अरे कौन हो बात रही, हमसे तो बचपन से लगता आ रहा है हमको, आपका हड्डी वड्डी तो नहीं टूटे? नहीं नहीं नहीं, एकदम सही है भाई साहब। चलिए आइए खड़े होइए। देखिए आपकी बाइक का जो भी रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो हम देते हैं भाई साहब आपको। अरे बाइक का रिपेयरिंग छोड़िए, रिपेयरिंग का जरूरत तो आपको है। हम समझे नहीं क्या? हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, चलो आपको डॉक्टर के लेके चलते हैं। आइए भाई बैग दीजिए। आइए आइए। स्वीटी ब्यूटी पार्लर, आपकी बीबी पार्लर चलाती है? नहीं नहीं, अभी शुरू किया है। आइए आप। अच्छा तो अब हम समझे हम आपसे, मतलब आप हमसे क्यों टकराए हैं। मतलब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तो डीलर हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ ये लीजिए हमारा कार्ड, ये हमारा बिजनेस कार्ड है, कभी भी आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए हो कम से कम रेट में दिलवा देंगे। अरे भाई साहब नेकी और पूछ, स्वीटी ने जान ले रखी थी हमारी आपके ये होलसेल के प्रोडक्ट के चक्कर में। तो हो गया ना काम आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत ही कमाल के आदमी निकले भाई साहब। देखिए पहले आपने हमारा मरम्मत करा दिया, अब आपने हमारा शादी बचा लिया। हम आपको अपनी वाइफ से मिलवाते हैं। स्वीटी अरे जरा आना, आपको मिलवाना है किसी से। आप आएंगे फेस टू फेस, स्वीटी और बबलू फिर से। आप आइए आइए। हाँ सतीश, ये सब चोट कैसे लगा? सॉरी सॉरी, और कहीं तो नहीं लगा? ये सब कैसे हुआ? बाइक, बाइक से लगा है ना? सच सच बताइएगा, उस बाइक को ना हम आग लगा देंगे। आज के बाद से आप हमारी कसम है, बाइक को हाथ भी नहीं लगाएंगे अगर आपको कुछ हो रहा है तो। अरे शांत शांत शांत, हमारी बुलेट ट्रेन कहाँ धड़धड़ा के भागी चली जा रही है आप। अरे मामूली सा चोट है, मामूली सा चोट है। ये अरे वो छोड़ो, तुम इनसे मिलो, बबलू वर्मा। अब बबलू जी ये हमारी वाइफ है स्वीटी जी। नमस्ते स्वीटी जी। तुम? अरे इन्होंने ही हमारी जान बचाई है आज। तुम तो, अरे भाई साहब कैसी बातें करते हैं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। कोचिंग से फोन है, लेना पड़ेगा। एक मिनट में आते हैं हम बस। हाँ हेलो, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? हाँ और ऐसे काहे बन रहे थे जैसे हमको नहीं जानते? हम तुम्हें जानते हैं। कैसे जानते हैं बताओ? हम तुम्हारे कौन रिश्तेदार थे, भाई थे, दोस्त थे, बॉयफ्रेंड थे। बबलू देख, हमसे गलती हो गई बचपन में, हमने आपको दो तीन बार छेड़ के दिया, मतलब आप अपने पति के सामने ढिंढोरा पीट देंगी? देखिए हम ना यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, सिर्फ अपना बिजनेस करना चाहते हैं और हम वो सब भूल चुके हैं, पर ऐसा लगता कि आप हमें नहीं भूली। चुप करो, दो दिन से ना तुम्हारी सीटी की आवाज सुन रहे हैं और आज सुबह भी सुन रहे थे, हम तो ना बेवकूफ मत समझो। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुबह हम तुम्हारे पति के साथ में एक्सीडेंट खेल रहे थे, चाहो तो पूछ लो। और सच बताएं, तुम्हारे पति की वजह से ना हमारी जान जाते जाते बची है और तुम थैंकू बोलने की बजाय हम पे चढ़ी आ रही हो। कहीं
तुमने जानबूझ के तो इस देखिए स्वीटी जी, हम ना यहाँ सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं शांति से, और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दिमाग में। हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि वो जो बचपने की बातें थी ना, वो बचपने में छोड़ दो आप। अरे कोचिंग वाले ना बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं। अच्छा हम क्या बता रहे थे आपको, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बताइए, सुबह सुबह हम इनसे टकरा गए और ये निकले आपके ब्यूटी प्रोडक्ट के डीलर। अब बताइए, जगदीश जी चलिए हम आपको अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देते हैं थोड़ी। हाँ हाँ चलिए चलिए आइए। लगता है सच में ही लफंगा बबलू ना सुधर गया है। चलो अच्छा ही है। वो कहते हैं ना कि हर चीज जो चमकती है जरूरी नहीं कि वो सोना ही। हम लोग अपनी जिंदगी में कई बार असली और नकली की पहचान करने में धोखा खा जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालीन मल्होत्रा और आज जो कहानी मैं आपके सामने लाया वो धोखे की परिभाषा ही बदल देगी। बबलू के लिए प्यार का मतलब था पाना, पर प्यार में जब पाना आ जाता है तो वो प्यार नहीं रहता, नासूर बन जाता है। ये लीजिए चल। स्वीटी पता है ये बबलू भाई साहब ना बड़ी अच्छी स्कीम बता रहे हैं, और इतनी अच्छी स्कीम बताई हम सोच रहे हैं सारा सामान ना एक ही बार में मंगवा लेते हैं ना, ये अच्छा रहेगा ना। अब और हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई साहब वो कब तक ये सब सामान भिजवा देंगे। अरे आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, दो दिन के अंदर सारा सामान भिजवा दूंगा मैं, और आधा सामान तो मैं कल ही ले आऊंगा ना। कल तो थोड़ा हम रहेंगे नहीं, वो क्या है शहर जाना है काम से और शायद लौटते लौटते रात हो जाएगी। तो नहीं एक काम कीजिए स्वीटी, आप अपना नंबर दे दीजिए ना। नहीं नहीं परसों हम भिजवा देंगे। नहीं काम नहीं रुकना चाहिए, आप हमारा ही नंबर ले लीजिए। जी जी बोलिए। 885 फिर सीटी ही मारते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करें बताओ। बबलू जी, बबलू जी। आप तो 4 बजे आने वाले थे ना। शाम को हमारी मीटिंग है एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ में, वो बहुत अच्छा क्लाइंट है। अच्छा? तो बस हम सोचे कि घर का ही काम है अभी कर देते हैं, सारा सामान ले आए हम, जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो एक दो दिन में आ जाएगा। बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारा इतना मदद हो गया। ये ना एक बार के लिए बस है, मैं ना कल से ही अपना पार्लर खोल दूंगी। जगदीश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, घर पे नहीं है क्या? हाँ काम के लिए बाहर गए ना शायद, आज रात को आएंगे या नहीं? हाँ आएंगे ना, बैंक गए हैं ऐसा लोन के काम से, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है शायद मिल नहीं पाएगा। बैंक लोन किस लिए? वो जगदीश जी को अपना कोचिंग क्लास बढ़ाना है ना, उसी के लिए थोड़ा लोन चाहिए था, लेकिन कैसा है ना कि इस घर का लोन ले चुके हैं तो लोन के ऊपर लोन नहीं मिलता है ना। आप एक काम कीजिए ना, आप जगदीश जी को बोलिए कि शाम को हमारे साथ जाएं, हमारे जो क्लाइंट है ना वो बहुत मोटी आसामी है, हम बता रहे हैं आपको, हो सकता है कि आपको ये लोन वोन के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही ना पड़े, हम आपको ऐसे ही पैसे उधार दिलवा देंगे कोचिंग के लिए। सच्ची? आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे बबलू जी? अरे आपके लिए काम तो अपने लिए।
हम तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं ना। अरे एक मिनट रुकिए, हम जरा जगदीश जी को फोन करके बता देते। हाँ हाँ कीजिए। हाँ सुनिए सुनिए, शाम को ना बबलू जी के साथ चले जाइएगा। हाँ हाँ काम से, वो लोन वाला काम। नहीं नहीं, उनके कोई दोस्त है, वो कह रहे हैं आपसे मिलवा देंगे तो काम बन जाएगा। और सुनिए, याद से शाम को जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? कितने बजे? 7 बजे। हाँ 7 बजे तक आ जाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब 7 बजे इस जगदीश की 7:30 शुरू होगी। भैया ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? ईद हट चिकने, यहाँ क्या ट्यूशन पढ़ने आया है? पप्पू भाई ये जगह हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, चलिए चलते। अरे अच्छी तो है जगह, हमारा कहने का मतलब आप जगह पे कहाँ जाते हैं? आप उस आदमी पे जाइए, ये बहुत मालदार आसामी है, रोज का कम से कम 4-5 लाख का जुआ खेलते हैं। अगर एक बार खुश हो गए ना आपसे तो आपका कोचिंग का काम तो यूं कर देंगे। तो आप जगह वगैरह छोड़िए, उस आदमी पे ध्यान दीजिए, उसे खुश करने की कोशिश कीजिए। आइए आइए। सिंह भैया नमस्ते। चल निकल, आइए। भैया जी ये हमारे मित्र हैं जगदीश जी, अध्यापक हैं, अपना कोचिंग क्लास चलाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो आपसे थोड़ा काम की बात करना चाह रहे थे। अरे काम की बात तो होती रहेगी, चल दो दो हाथ हो जाए, देखे कितना लकी है तू। अरे नहीं 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 भैया, हमारा लक तो आपको पता है, फिर से दांव हार जाएंगे हम, खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। चल एक काम कर, अपने इस दोस्त को खिला, देखते हैं इसकी किस्मत में कितना दम है। नहीं नहीं भैया जी, हम ये सब खेल नहीं खेलते हैं, अब चलिए ना। अध्यापक हो ना, चलो कोई बात, हमारे पैसे से खेलो। बबलू लगा अपने दोस्त के नाम पे दांव। ठीक है भैया, आप कह रहे तो खेल लेंगे। अरे भैया पैसे लगा रहे ना, क्या दिक्कत है? भैया जी खेलेंगे हम, आइए बैठिए बैठिए। पहली बार जगदीश जी, आप बताइए कितना पैसा लगाना। भैया जी हम पीसे पीस पीस। ये इतने का लगा दीजिए। इतने से ना होगा, ज्यादा लगाइए। क्यों भैया? हेलो चलिए जगदीश जी लगाइए लगाइए ना दांव। ये बहुत ज्यादा है ये तो। अरे कहाँ है कंजूसों की तरह पैसा लगा रहे, दिल खोल के लगाइए। क्यों भैया? लाइए ले लीजिए। ले शो कर। भैया 3 इक्के आए हैं हमरे। जीत गए हम। अरे खुश हो जाइए ना, देखिए सारा आपकी किस्मत का पैसा है ये। क्या किस्मत पाए जगदीश जी? भैया जी हम तो कह रहे हैं जगदीश जी को खिलवा दे क्या। चलो एक और दाव अध्यापक जी के नाम से। चलो इस बार आप खेलो। हम लिए ना, अब हम पत्ते बांटेंगे और आप दाव लगाएंगे। अरे आपकी किस्मत बहुत जबर है, देखिए जीतेंगे हम। ये लो सिंह, ये भैया हमारा दांव। भैया थोड़ा बड़ा खेलें। पैक पैक कर दिए। अरे जीत गए हम कहे ना आपकी किस्मत बहुत तेज है। ये देखिए लाखों रुपया लेके जाएंगे आज यहाँ से, इतना समेटेंगे ना। आप तो कमाल ही कर गए, एक दाव और हो जाए अब। हाँ हाँ हो जाए। लो थोड़ा मुंह गीला कर लो। नहीं नहीं भैया जी, वो हमारी वाइफ को ना ये दारू का बदबू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो। लगता है, बीवी की बहुत बात मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है ना, बिना दारू के हमारी तुम्हारी दोस्ती मुश्किल है। अरे भैया कह रहे हैं तो पी लीजिए ना। सिंह भैया हर किसी को दारू ऑफर नहीं करते, आपका काम होने वाला है तो। फिर ठीक है भैया जी, पर हम सिर्फ एक ही बियर पियेंगे बस।
ये हुई ना बात। अरे तो मंगाए इसी बात पे। अरे सुनिए, एक ठो बियर लेके आइए। जीजे पीजे घूंट लेते हुए खेलने का मजा बहुत आएगा। अरे स्वीटी जी, हाँ? जल्दी आइए। अरे ये नहीं नहीं ये बैग बैग करो। अरे कुछ नहीं, ज्यादा शराब पी लिया। आराम से। हाँ। एक मिनट। अरे संभाल तू, संभाल। हाँ। जैसे हम देखे कि ज्यादातर औरतों को दारू की बास पसंद नहीं होती, आप तो बहुत ही कूल है। पसंद तो हमको भी नहीं है, मगर हमको अपने जगदीश जी बहुत पसंद है। देखते हैं कितने दिन पसंद करती हूँ। नौ पांच हो रहे हैं, जगदीश जी अभी तक सो रहे हैं। माँ ने कहा था 9:15 तक का ही मुहूर्त है, लगता है अकेले ही पूजा करनी पड़ेगी। स्वीटी जी, ब्यूटी पार्लर खुलने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये लीजिए। ये जगदीश जी नहीं दिखाई दे रहे? वो अच्छा वो सो रहे हैं, ज्यादा लगा लिए थे ना तो कोई बात नहीं। लेकिन सच कहें, हम होना चाहिए था उनको यहाँ पर। अब इतना शुभ दिन है, पहला दिन आपके पार्लर खुलने का। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम पूजा करते हैं आपके साथ में। हम तो प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आए आपके पार्लर में। अच्छा स्वीटी जी, हम चलते हैं। अरे सुनिए, प्रसाद लेते जाइए। जी। जगदीश जी जब जाग जाए ना तो उनको हमारा हेलो बोलिएगा। हाँ स्वीटी जी, हमको माफ कर दीजिए, हमारी नींद ही नहीं खुली। पता नहीं कैसे इतना चढ़ गया, बस एक ही बियर पी। हमको पता है आपको दारू नहीं सहता है ना। कोई बात नहीं, अब आप जाइए अपना काम कीजिए, हमारा पहला दिन और पहला कस्टमर है। सिंह भैया को आप बहुत पसंद आए हैं, शाम को अड्डे पर आ जाइए। स्वीटी जी जी, शाम को हम बबलू भैया के क्लाइंट के पास जाएंगे तो शायद थोड़ा लेट हो जाएगा हमको। ठीक है, हम आते हैं। वाह, अब लग रहा है ना हमारा पार्लर एकदम टिप टॉप। बस अब गणपति जी की कृपा से ना माल आ जाए, बस सब सेट। माल भी आ गया स्वीटी जी। आप अकेले इस समय? मुझे तो लगा आप जगदीश जी के साथ हैं। अरे आपसे वादा किए थे ना, पूरे दिन हमें समय नहीं मिला, फिर जगदीश जी थे नहीं तो हमने कहा हम ही आ जाते हैं, हमारे पास बहुत समय, कोई दिक्कत नहीं। और हम सारे सामान के साथ साथ हम आपके लिए एक बड़ी चमत्कारी सी क्रीम लाए हैं, उसकी तकनीक बताते हैं आपको। इस वक्त आइए, आप ही चेयर पर बैठिए, बढ़िया सा डेमो देते हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे कैसे जरूरत नहीं है, हमारा तो काम है ना ये, हमें तो डेमो देना ही पड़ता है, उसको वीडियो बना के फिर कंपनी को दिखाते हैं ना कि हमने बेचने से पहले डेमो दिया था कस्टमर को। आइए आइए बैठिए। नहीं वो, अरे कोनो बात नहीं, हम तो वैसे भी आदमी और औरत सबको डेमो दे देते हैं। आजकल यूनिसेक्स पार्लर का टाइम निकला है ना, कोई माइंड ही नहीं करता। आइए बैठिए। अच्छा ठीक है, हमें लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम क्रीम वापस ले जाते हैं। नहीं नहीं, आप क्रीम वापस मत ले जाइए, चलिए करते हैं। आइए आइए बैठिए।
बैठिए, आराम से बैठिएगा। एक जल्द स्वीटी मेरी होगी। मैं तुम्हारे पति के लिए ऐसा जाल बुन रहा हूं कि कोई उसे नहीं बचा सकता। शोक भैया जी, हम जीत गए। अरे वाह अध्यापक जी, क्या किस्मत पाए हैं। वाह मेरे राजा, तू तो जल्दी निकला, इतने सारे पैसे, चल पार्टी करते हैं। देखिए बहन जी, हम शादीशुदा हैं, अब प्लीज हट जाइए। सिंह भैया जी, हम चलते हैं। बहुत अच्छा काम किया तूने। अरे स्वीटी 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 स्वीटी, अरे बहुत लकी दिन है आज हमारा। ये देखिए कितने सारे पैसे कमा कर लाए। और पता है, अरे स्वीटी जी हमारे भैया जी, हम भाभी जी को सामान का डिलीवरी देने के लिए आए थे। वो अपने ऊपर क्रीम गिरा दिए थे, हम का एक कपड़ा दे दीजिए, मशीन में धुल देते हैं। आपको बुरा लगा क्या? नहीं नहीं स्वीटी जी, हमको तो आप पर पूरा भरोसा है, और आज तो बहुत खुशी का दिन है, और ये सब तो बबलू भैया के कारण ही मुमकिन हो पाया है ना। अरे बहुत बढ़िया, तो चलो इस बात पे एक सेल्फी लेते हैं माल के साथ। हाँ ये आप लीजिए, हाथ लंबे है ना। हाँ आइए। ये तो बहुत ही बढ़िया आई है, देखिए। स्वीटी जी आप ये अंदर अलमारी में रख दीजिए। हाँ लेकिन आप बताए नहीं कि इतना सारा पैसा आपको मिला कहाँ से। अरे वो सिंह भैया के साथ, सिंह भैया जी ने उधार दिए हैं, इनका कोचिंग के लिए ना पहला किस्त दिए हैं वो। आप अंदर रख दीजिए। बहुत बढ़िया भैया, झूठ काहे बोले। अरे भैया आप ना बहुत ही सीधे हैं, बीबी चाहे कितना भी साथ देने वाली हो, जुए में कभी पति का साथ नहीं देती। और अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जुआ खेलते हो, तो कल से जुआ बंद करा देंगी। अब वो तो हम नहीं चाहते ना, तो इसलिए जितना कम बताओ उतना अच्छा है। भाभी जी अगली बार फिर से आइएगा, अच्छा डिस्काउंट देंगे। हाँ स्वीटी जी हम आ गए। चलिए बढ़िया है, अब सारा सामान आ गया। जी स्वीटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारा सर फट रहा है, एक चाय मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगा ना, आप बैठिए ना, हम लेकर आते हैं। जी उसे आखिरी कैमरा लग जाए तो काम पूरा। बबलू जी आप वहां क्या कर रहे हैं? वो हम देख रहे थे कि वहां जगह है कि नहीं स्पा खोलने की। चाय लाए थे आप? ले लीजिए। हाँ बहुत जरूरत थी चाय की। अब वो सामान चेक कर लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ
ये लीजिए, आप चेंज करके आ जाइए। ये तो पूरा माहौल बन गया भाई। जय हो स्वीटी ब्यूटी पार्लर की। कौन है वे? बबलू ने यह सोचना ही छोड़ दिया था कि उसकी हर चाल से दो मासूम जिंदगियां तबाह हो रही थी। उसने यह तक नहीं सोचा कि जिस स्वीटी को पाने की वो कोशिश कर रहा है, क्या वो स्वीटी उससे प्यार करती भी है या नहीं। बबलू ने जो रास्ता चुना था, क्या वो रास्ता उसको उसकी मंजिल तक लेके जाएगा, और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जगदीश और स्वीटी। चलिए चलिए, शो कर दीजिए भैया जी। जी बस अब नहीं खेलते। अरे हिम्मत मर्दा, तो मदद है खुदा, तकदीर भी उसी का साथ देती है जो रिस्क लेता है। ये जी हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। नमस्ते। नमस्कार। जीत रहे हो? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हें दोस्त ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं, हमारे पैसे भी इनके पैसे हैं, आप हमारे पैसे लगाइए। नहीं नहीं, अरे हमें आपके किस्मत पे पूरा भरोसा है। खेल डालिए। क्यों भैया? सारे पैसे लगा दिए, ये दांव मत हारना। शो कर दीजिए। अब ये 15 लाख हमारे। हेलो बबलू भाई, हमारा माथा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप कुछ सोच कर रखिए, हम कोचिंग के बाद आके मिलते हैं आपसे। हाँ बबलू, जगदीश जी को किस आपस में फंसा दिया? अरे स्वीटी जी, आप यहाँ क्या हुआ? ये तो हम पूछने आए कि हुआ क्या है। हाँ चल कर आए। कल से जगदीश जी इतना परेशान है, तुमसे बात करते हुए सुने हम उनको। हमको पता है तुम ही कुछ किए हो, गांव के ना सबसे बड़ा रफंगा थे तुम। हाँ है, हम गांव के अनपढ़ गवार, लेकिन हम उतने भी बुरे नहीं है जितना आप हमें समझती हैं। और आपके जगदीश जी जितने शरीफ दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। तमीज से बात करना हमारे जगदीश जी। काहे तमीज से बात करें? क्योंकि उनके पास डिग्री और अनपढ़ है, तो आपको जो मन में आएगा बोल देंगे हमें, और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। सच बताएं आपको, आज तक ना उन्हें अपना रंग दिखाने का मौका नहीं मिला था, और अब मौका मिला तो क्या क्या गुल खिला रहे हैं देखना चाहती हैं। ये देखिए, और सिर्फ यही नहीं, ये और बताएं आपको, 15 लाख रुपए जुए में हारे थे, 8 लाख रुपए खुद के दिए, और 7 लाख रुपए हमने दिए उनको उनकी जान बचाने के लिए, हमने बिजनेस की पूरी कमाई सिर्फ तुम्हारी खातिर। और सबसे बड़ी बात बताएं, हम देख भी नहीं सकते, आप देख लीजिए। ये फायदा उठा रहे हैं, क्या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पार्लर का, और बताएं हमसे क्या कहे, तो बोल भी नहीं सकते। ये सब वीडियो को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं वो। इस हद तक गिर गए हैं आपके पति देव, डिग्री वाले। भगवान, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जगदीश जी के बारे में ऐसा। देखिए हम जानते हैं आप सही हैं, पर आपके पति देव सही नहीं है ना, और हम उनका साथ सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहे हैं। क्यों ये सब झंझटों से बाहर आ जाए, ये सब बुरी हरकतों से बाहर आए। अरे आप इतना रो काहे रही हैं, आइए आइए आप आराम से बैठिए। आराम से बैठिए बैठिए बैठिए, आप रोइए मत, हम पानी लेके आते हैं आपके लिए।
जगदीश जी क्या किया? पार्लर का वीडियो है, वो भी लाइव। हमारा सर फट रहा है, एक चाय मिलेगी? बबलू जी जी, तो ये सब तुम किए हमारे जगदीश जी को फंसाने के लिए? हाँ, देख लिए सब कुछ, देखे कितना प्यार करते हम तुमसे। जगदीश जी को फंसाने के लिए नहीं, तुमको पाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि सिर्फ पढ़े लिखे इंसान ही अच्छे नहीं होते, कोई बुरा भी अच्छा बन सकता है और अच्छा बुरा हो सकता है। हमारे जगदीश जी बुरे नहीं है, तुम बुरा बनाए उनको। अरे कहा जगदीश जी, जगदीश जी क्यों करती रहती हो? कहा है जगदीश जी में पैसा? है जितना वो पूरे महीने में कमाते हैं ना, उतना तो हमने एक हफ्ते में उड़ा दिया तुम पर। स्वीटी सच कह रहे हैं, हम हमरी बन जाओ, अभी पूरे जहां की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ला कर रख देंगे। अरे जितना जगदीश वह प्यार नहीं करता ना तुमसे, उससे ज्यादा प्यार करेंगे हम तुम्हें, सारी खुशियां देंगे हम तुमको। और जगदीश की फिक्र मत करो, अपने जो सिंह भैया है ना, अरे बहुत ही बड़े गुंडे हैं, ऐसी धारा लगवा के अंदर करवाएंगे ना जेल में कि वापस आ ही नहीं पाएंगे तुम्हारे जगदीश बाबू। और हम तुम्हें सारी खुशियां देंगे ना पति जेल में, हम साथ साथ हो जाएंगे। तुमको क्या लगा कि ये सब करके तुम हमारी शादी तोड़वा दोगे? हे बबलू, स्वीटी न कभी तुम्हारी थी और न जिंदगी में कभी तुम्हारी होगी, समझे? और रही तुम्हारे 7 लाख रुपए की बात ना, ये सब पकड़ो, जितना पैसा तुम लिए हो ना उससे बहुत ज्यादा है, तुम्हारा खेल खत्म, समझे? आइंदा से अगर हमरे पति के या हमरे घर के आसपास भी दिखे ना, तो पुलिस से इतना मार पड़वाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा ऐसा होगा? सच में? अरे सुनो स्वीटी, इसका मतलब उस बबलू ने आपको पाने के लिए हमें जानबूझकर फंसा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी जाकर पुलिस को सब बता देते। जगदीश जी, नहीं नहीं
वो लोग बहुत खतरनाक हो गए। अब वो बातों बातों में जिस सिंह से आपके बारे में बताया था उसने, वो बहुत बड़ा गुंडा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ से ले चलना। आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी होगी ना, तो आपको यहाँ से ले चलिए। मुझे छोड़कर जाएगी तू? दो साल पहले जाने दिया था, अब नहीं। देख तेरे साथ क्या करता हूं मैं। पहचान ले हमको, पहचानो भी कैसे नहीं, तुम बड़े आसिक जो तुम। छोड़ो हमको, तुम यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे आए भगवान ने बताया। बैठो, पगला आ गए हैं। जानती हो क्यों? तुम मेरे पीछे भाग रहे हैं और तुम हमसे भाग रही हो। छिछोरापंती किए थे हम बचपन में, पर जब देखे ना उस जगदीशवा के बहाव में तुमको ऊपर से नीचे तक जल गए, और वही दिन सोच लिए तुम सर से लेकर पांव तक हमरी हो। दिमाग खराब हो गया है बबलू। हम शादीशुदा हैं और अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। ये तो हमें समझ में नहीं आता, कहां है इतना प्यार करते हो जगदीशवा से? सुनना, वो पति 7 लाख रुपया लिया हमसे उधार, पता है कहे दिया उसको? क्योंकि उसको औकात नहीं है 7 लाख रुपए की, उसकी जान बचाने के लिए। ये जो तुम्हारा पार्लर है ना, ये पूरा हमने खड़ा किया है। भूल गई क्या? काका ने क्या तुम्हारे लिए अपने पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया? हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पति को इतना बुरी तरह फंसाए, धुआं खिलाए, दारू पिलाए, और तब भी तुम उसकी तरफ जारी करते हो? अभी भी वक्त है, चल हमारे साथ। स्वीटी ना तेरी कभी थी और ना कभी होगी। मारेंगे तू? सान फ्रॉबस अपना ही फोटो लगा दी। हाँ तो बताइए, किस हीरोइन से कम है? जगदीश जी, आपका शक सही निकला। ये काम बबलू वर्मा ने किया। पुलिस ने उसके घर के सारे सबूत बरामद कर लिए और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बबलू से भी बड़ी गलती हमारी थी सर, अगर हम पहले ही पुलिस के पास चले जाते तो बबलू पकड़ा जाता। हमारी स्वीटी जी आज जिंदा होती। स्वीटी को बबलू का पता चलते ही पुलिस के पास जाना चाहिए था। उसकी एक गलती ने उसकी जान ले ली।
स्वीटी ये समझ ही नहीं पाई कि बबलू अब एक आम सड़क छाप आशिक नहीं रहा, उस पे स्वीटी को पाने का जुनून सवार था। और ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। पुलिस हमारी मदद के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, अगर हम जुर्म से डर के पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो ये जुर्म और मुजरिम की दोहरी जीत होगी। इसलिए जुर्म को जीतने मत दीजिए। चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन वादा करते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।